गाइस, तो क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी हुई। गाइस, आज ये आपके मेंटोरशिप का 7th चैप्टर होने वाला है, जिसमें मैं एडवांस से एक्सपर्ट लेवल की लर्निंग देने वाला हूँ। अब यहाँ से आपकी एडवांस और एक्सपर्ट लेवल की लर्निंग चलेगी। जो लोग कोर्स का पूरा खिचड़ी बना के आपको पूरा बता देते थे, जितना मेरा बेसिक चैप्टर उतने में आपका पूरा कोर्स ही वो खत्म कर देते थे। तो जितना मैंने तुम्हें बेसिक बताया है ना, उतने में आप लोग खुद जानते हो कि लोग तुम्हारा पूरा कोर्स ही खत्म कर देते हैं, उसके अलावा उनको आता ही नहीं। भाई, मार्केट में और भी चीजें होती हैं, ये तुम्हारा मैजिक भी एफ एफ एल सी ग्रीन रेड रेड ग्रीन, यही तो है, यही तो सब बताते हैं। इससे हट के भी दोस्त बताओ जो चीज रियलिटी है। भाई, पता ही नहीं तो बताएंगे क्यों। 4 साल का एक्सपीरियंस है मैंने, ये देखो मेरी खुद की इम्प्लीमेंट की हुई चीज है, मैंने खुद अपनी मेहनत से गेन किया है। 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने इसको बनाया है दोस्त, इसकी रिस्पेक्ट करना। अगर देखो, अपनी मेहनत की बनाई हुई चीज तुम्हें दे रहा हूँ तो इसकी रिस्पेक्ट करना। अगर रिस्पेक्ट करोगे तो दिल से बोल रहा हूँ, जरूर आप आगे निकल जाओगे। और अगर मेहनत नहीं करोगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे, सब नॉलेज यहीं के यहीं धरी रह जाएगी। बस दिल लगा के प्रैक्टिस करना, अगर आगे ना निकल जाओ मेंटोरशिप एंड होने तक, तो कहना। अभी आपकी एक्यूरेसी 75, 70, 80, 80, 85 लोगों की आ रही है, मुझे पता है 80 सब बताते हैं, 80 आ रही। अब जब एडवांस लर्निंग आपकी चल रही है, एडवांस के बाद आपकी सोचो 100 तक जा सकती है अगर आप मेहनत करोगे तो। बेसिक चैप्टर लोग जो जो लोग बताते हैं वही मैंने बताया, पूरा खत्म कर दिया उसको 6 चैप्टर में। अब 7वें से आपका एडवांस और एक्सपर्ट लेवल तक लर्निंग स्टार्ट हुई, जो कि किसी को भी नहीं पता है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया। एंड अभी मैं आपको, देखो रिस्पेक्ट करना इस लर्निंग का, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया हूँ दोस्त, ठीक है। तो अगर मेहनत करोगे जरूर आगे निकल जाओगे। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पेंट पे और उस पे समझाता हूँ कि ये एडवांस लेवल लर्निंग है क्या चीज, ठीक है। देखो, आज तक आपको क्या पता था, मुझे बस सिंपल सा एक आंसर दो कि आज तक आपको क्या पता था। मार्केट जो है रिवर्सल किस वजह से लेता है, बताओ मेरे को। आज तक आपको आपको क्या पता कि मार्केट किस वजह से रिवर्सल लेता है, सिंपल सा बताना मन में सोचो, क्योंकि डाउट क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड इसको मन में सोचो और मुझे बताओ कि डाउट मतलब मार्केट आज तक रिवर्सल किस वजह से होता, आपको क्या ही पता था। अब मैं बताता हूँ, देखो लोग क्या बताएंगे, सप्लाई एंड डिमांड कैंडलस्टिक पैटर्न एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या तो फिर मार्केट के स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, एक चीज तो आपकी सही है कि मार्केट रिवर्सल होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से। चलो ये चीज मैं मान लेता हूँ, तुम्हारा मार्केट इसी चीज की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से रिवर्सल होता, ठीक है। अब दूसरी क्या चीज है जिसकी वजह से मार्केट रिवर्सल होता है, ये किसी को भी नहीं पता, इसको मैंने खुद से इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। जो चीज मैंने मार्केट में 4 सालों में देखा, एब्जॉर्ब किया है, उसकी बदौलत मैं, आप देखते हो मैं ब्रेकआउट पे बहुत ज्यादा ट्रेड लेता हूँ और रिवर्सल की ट्रेड लेता हूँ, ब्रेकआउट पे रिवर्सल की ट्रेड के लिए जाता हूँ। क्यों? सिंपल सा यही रीजन है। मार्केट एक रिवर्सल जो रीजन है जानते हो कौन सा है? इधर देखो, पढ़ लो क्या लिखा है, थोड़ा सा वैसे आ जा रहा है लेकिन पढ़ लो, ब्रेक ऑफ स्नार। क्या? ब्रेक ऑफ स्नार। मार्केट के दो रीजन है रिवर्सल होने के, एक मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से रिवर्सल होता है, दूसरा मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्नार की वजह से रिवर्सल होता है, ठीक है। बस दो ही रीजन है मार्केट के रिवर्सल होने के। अब आपको पता चल गया कि मार्केट रिवर्सल किस वजह से होता है। जब आपको इतना ही पता है तो अगर आप इसमें मास्टर कर जाओगे तो रिवर्सल की कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, रिवर्सल आप एक्सपीरियंस पर्सन हो जाओगे रिवर्सल में। तो देखो, अब देखो मार्केट मार्केट में जो रिवर्सल होता है वो किस किस वजह से होता है वो चीज बताता हूँ। देखो ये आपका सपोर्ट है, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ, गलत हो गया, ठीक है। देखो इसको रुक जाओ, मैं मिटा देता हूँ। एंड देखो ये आपका यहाँ से थोड़ा सा, ये जो चैप्टर आपका थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा नहीं, ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? ऊपर से आएगा तो सपोर्ट हो जाएगा, नीचे से जाएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा, प्राइस रिवर्स किस वजह से होती है, या तो इसके ऊपर क्लोज होगी, या तो इसके ऊपर क्लोज होगी, एक सेकेंड
रिवर्सल होगा प्राइस, या तो इसके नीचे क्लोज होगी तब प्राइस रिवर्सल होगा यहां से, या तो प्राइस इसको ब्रेक आउट करेगी तो रिवर्सल होगा इसका। क्या होगा? या तो प्राइस इसका ब्रेक आउट करेगी तो यहाँ पे इसका रिवर्सल होना तय है, या तो प्राइस इसका रिवर ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। और मार्केट में कोई भी रीजन नहीं है रिवर्सल का, और अगर कोई तुम्हें कुछ बताएगा कि मार्केट इस वजह से रिवर्सल होता है तो समझ लेना वो तुम्हें गलत बता रहा है, सिंपल सा, वो आपका चूतिया काट रहा है। तो चूतिया मत बनो, सही लर्निंग लो, आगे बढ़ो। आज तक आपको क्या पता था कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होता है? कभी नहीं पता था, कोई बता, किसी को पता ही नहीं है दोस्त। मैंने 4 सालों में इसको एब्जॉर्ब किया है, वो चीज आपको दे रहा हूं। मार्केट या तो सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगा तो रिवर्स करेगा, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा तो रिवर्स करेगा, या तो इसका ब्रेकआउट देगा तो रिवर्सल करेगा, या तो इसका ब्रेकआउट देगा रेजिस्टेंस का तब रिवर्सल करेगा, या तो सपोर्ट का ब्रेकआउट देगा तो रिवर्सल करेगा। आपको पता चल गया ओनली टू रीजन था मार्केट रिवर्सल, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक जो आपको नहीं पता था ब्रेक ऑफ स्टार, मैंने बता दिया, सिंपल, ये क्लियर हो गया। अब देखो इससे कैसे आगे आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। एडवांस बहुत प्यार से समझाऊंगा, बस सीखना दोस्त, पीएलटी के पास आए हो, नॉलेज लेके ही जाओगे, ठीक है, घबराना मत यहां से। सबसे पहले ये जो दो रीजन मैंने आपको बताया है इसको अपने जहन में ले लेना, जो मतलब रियलिटी आपको बता रहा हूँ, प्राइस इसके ऊपर आएगा तो रिवर्स करेगा, ठीक है, रिवर्स करेगा यहां से, एक सेकेंड, प्राइस इसके ऊपर आएगा तो रिवर्स करेगा, प्राइस यहां से टकराएगा तो रिवर्स करेगा, ये रियलिटी भाई, ये रियलिटी जो बता रहा हूँ वो रियलिटी है, ठीक है, रिवर्स करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क क्यों नहीं करता है। देखो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये चीज देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस से टकराता है फिर भी ब्रेक करके बाहर निकल जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि सपोर्ट से टकराता है मार्केट फिर भी ब्रेक करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल होता है, ये एक रीजन होता है, ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल होता है, ये एक रीजन होता है, ठीक है। अब इस चीजों को अपने जहन में डाल लेना, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह काम वगैरह क्यों नहीं करता, ठीक है। अब चलो मैं आपको इसको मिटा के एक और अच्छी चीज बताता हूँ, सुनो, देखो अब यहां से प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, अब देखो जो ये प्राइस ऊपर जा रही है और फिर प्राइस यहां से नीचे आ रही है, अब ये किस वजह से ऊपर नीचे जा रही है प्राइस, बताओ मेरे को, किसी को पता है? चलो कुछ लोग बोलेंगे डिमांड, तो भाई ये आधा जवाब है, ठीक है। अब देखो चलो मैं इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक, अब देखो डिमांड सही है, लेकिन अब यहाँ पे लगाएंगे क्या हम, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा लगाना है, डिमांड ग्रेटर ग्रेटर देन सप्लाई, क्या लगाएंगे आप, डिमांड, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका डिमांड हो जाएगा और इसमें ग्रेटर देन लगा के सप्लाई लगा देना, सिंपल सा, ठीक। तो इसी वजह से जो डिमांड होती है, यहाँ पे डिमांड थी, ये देखो यहाँ पे डिमांड थी तभी यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड, यहाँ पे सप्लाई जो है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ी, यहाँ पे डिमांड घट गई, यहाँ ऊपर डिमांड घटी तभी तो सप्लाई बढ़ी, जब सप्लाई बढ़ी तभी तो मार्केट यहाँ से नीचे आया दोस्त, और यहाँ पे सप्लाई घट गई, यहाँ पे डिमांड बढ़ी तभी तो मार्केट वहां से ऊपर गया, सिंपल सा ये होता है आपका सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अब देखो अब जब सप्लाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता क्यों है, सिंपल सा रीजन बताओ, किसी को पता है? नहीं पता। एसएनआर बनता क्यों है भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता क्यों है, किसी को नहीं पता? अब मैं बताता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है सप्लाई और डिमांड के घटने और बढ़ने से, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है सप्लाई और डिमांड के घटने और बढ़ने से। ये देखो ये आपका हो गया डिमांड, ये हो गया आपका सप्लाई, यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, इधर देखो बेसिक से सिखा रहा हूँ, मतलब एडवांस लर्निंग है आपकी, सीखो अच्छे से, ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गया आपका सपोर्ट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको इधर ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता क्यों है,
सिंपल सा। अब हमको पता चल गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता क्यों है, इसमें आपको कोई अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको सिंपल सा बता रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता क्यों। अब देखो सप्लाई ये माइनर होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना दोस्त, जो आपको बता देते हैं ना ये सब बहुत कुछ है, खिचड़ी बना के खत्म कर देते हैं यही कोर्स बना के ना। अब देखो जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो माइनर होता है, और जो आपका सप्लाई एंड डिमांड होता है वो मेजर होता है। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर पूरी मार्केट खड़ी होती है, क्या खड़ी होती है, पूरी मार्केट ही सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर खड़ी होती है, और सप्लाई और डिमांड का पार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी तक जो लर्निंग दिया जाओ दोस्त, कहीं अगर तुम्हें मिल जाए तो बताना, अभी देखना इस पूरे वीडियो में कितनी लर्निंग आपको देता हूँ, ठीक है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माइनर होता है, सप्लाई एंड डिमांड मेजर होता है। सप्लाई एंड डिमांड की वजह से पूरी मार्केट चलती है और उसी के ऊपर पूरी मार्केट खड़ी होती है, ठीक है, और उसी का पार्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सोचो जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतना हार्ड होगा माइनर होके मेरी लर्निंग से, तो डिमांड एंड सप्लाई कितना हार्ड होगा, कुछ समझ आप में आ रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जो सपोर्ट सप्लाई एंड डिमांड का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में मैं आपको अच्छी से कैसे समझाता हूँ, प्यार से समझाऊंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक आपको पता चल गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप लोग अभी तक जानते थे बहुत स्ट्रांग होता है ये होता वो होता, कुछ नहीं होता है, माइनर होता है, क्या होता है, माइनर होता है, ठीक। और किस वजह से काम नहीं करता वो भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, तो वेट करो देखो अभी। चलो ये थोड़ा सा ऊपर रुक जाओ, इसको मैं मिटा ही देता हूँ एक बार उसके बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको दो रीजन बताया, मतलब ये सप्लाई एंड डिमांड, अच्छा ये बताओ हम इसको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, एक सेकंड में ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से, फिर आप मेरे को बताना। ये जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है हम इसको सप्लाई एंड डिमांड क्यों नहीं बोलते हैं, बताओ हम इसको सप्लाई एंड डिमांड क्यों नहीं बोलते हैं, इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं। तो याद रखना दोस्त, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है वो माइनर होता है, जो सप्लाई एंड डिमांड होता है वो मेजर होता है, पूरी मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है। तो आपकी ये चीज मुझे आई होप देखो इतना अच्छे से समझा रहा हूँ तो आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। याद रखना पूरी मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर खड़ी होती है। अब आगे चलते हैं, अब देखो तुम्हें कैंडल से समझाने जा रहा हूं कि सप्लाई एंड डिमांड किसे कहते हैं। लोग तुम्हें अभी तक बताए होंगे जहां जहां एक्सचेंज होता है वहां वहां सप्लाई एंड डिमांड होता है। सिंपल सा पहले जान लो, अगर सप्लाई जब तक सप्लाई एंड डिमांड जहां होती है वहीं मार्केट होती है, ठीक है। जब सप्लाई होगी तो जब वहां जहां सेलर होंगे वहां बायर भी होंगे, जहां बायर होंगे वहां सेलर होंगे, सिंपल सा इसे कहते हैं मार्केट की डिफिनेशन। अब देखो तुम्हें कैंडल से समझाने जा रहा हूं कि सप्लाई एंड डिमांड एक कैंडल में कैसे पकड़ा जाता है। अभी तक तो आपको एक्सचेंज वाले बताऊंगे, एक सेकंड देखो मैं कैंडल को ड्रॉ कर लेता हूं पहले। देखो अभी तक आपको लोग क्या बताए होंगे वो देखना, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा सा लगा देता हूँ, थोड़ा सा अभी देखना तुम्हें लोग अभी तक क्या बता के चूतिया बनाए होंगे वो चीज देखना। थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है, अगेन ड्रॉ करूंगा, एक सेकंड रुक जाओ आप बस, ठीक है। देखो भाई समझाऊंगा अच्छे से, तुम्हें अच्छे से हर एक चीज समझ में आएगा, लेकिन ड्रॉ और आप थोड़ा सा मत जाना। एंड अब देखो एक यहाँ पे ऊपर कैंडल बना देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। एंड इसके इसकी वजह से तुम्हें समझाऊंगा सप्लाई एंड डिमांड को पकड़ा कैसे जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम वगैरह क्यों नहीं करता, यहीं से तुम्हें पता चलेगा और कहीं से नहीं, छोटी छोटी चीज को मेरी पकड़ना। अब देखो अब तुम्हें लोग क्या बताते हैं सप्लाई एंड डिमांड किसे कहते हैं वो चीज तुम्हें दिखाता हूँ। देखो जहां पे वो बताएंगे जहां पे एक्सचेंज होता है वहीं पे आपकी सप्लाई एंड डिमांड होती है, मतलब ये देखो
ये आपकी रेड कैंडल हो गई, ये आपकी ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है। अब आपको लोग क्या बताएंगे ये चीज दिखाता हूं। तो ये चीज तुम्हारी है ना, इसी को लोग तुम्हें खिचड़ी बना देते हैं कि बस कहेंगे भाई यही तुम्हारा रेजिस्टेंस है, यही तुम्हारा सपोर्ट है, यही तुम्हारा सप्लाई एंड डिमांड है। तो भाई ये तुम्हारा सप्लाई एंड डिमांड नहीं होता है, होता है मैं मानता हूँ, जहाँ एक्सचेंज होता है, जहाँ कलरफुल कैंडल आती है वहां पे होता है सप्लाई एंड डिमांड, लेकिन तुम्हारा ये भी सप्लाई एंड डिमांड है दोस्त, ये भी तुम्हारा सप्लाई एंड डिमांड ही होता है। अब पूछो कैसे, देखो वो चीज तुम्हें समझाता हूँ। अब ये कैसे यहाँ पे तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड कैसे होता है ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन एंटर हुआ था, यहाँ पे पहले एंटर कौन हुआ था, यहाँ पे पहले बायर आए थे, फिर सेलर की एंट्री हुई, यहाँ पे सेलर की एंट्री हुई, इस सेलर को बायर ने कवर कर लिया। अब ये क्या बनेगा देखो, आपको ये चीज दिखाता हूँ, ये आपका बन जाएगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ये बन जाएगा, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऊपर से कैंडल आ रही है सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक सेकंड कॉल आ गया एक, चलो ठीक। अब देखो अब इसमें कैसे तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड ढूंढना है, जो तुम्हारी ये चीज है ना, एक सेकंड, जो तुम्हारा ये विक होता है, ये विक, एक सेकंड, जो तुम्हारा ये विक होता है, ये विक एंड जो तुम्हारी ये विक होती है, ये तुम्हारी हिडन एसनार, हिडन सप्लाई एंड डिमांड होती है। पता चल गया हिडन सपोर्ट क्या होता है, किसी को पता था, किसी ने आपको आज तक बताया था, नहीं बताया था, मैं बता रहा हूं। देखो ये तुम्हारा, देखो पहले यहाँ पे डिमांड थी, पहले यहाँ पे डिमांड थी, यहाँ पे इस डिमांड को सप्लाई ने कवर किया है, ये देख रहे हो, ये तुम्हारी सप्लाई है। सप्लाई जब जब यहाँ पे आई, देखो पहले यहाँ पे जब आया ना, यहाँ हल्का सा सप्लाई आया, यहाँ पे सेलर इंटर हुए, यहाँ भी सेलर इंटर हुए, लेकिन इस सेलर को इस बायर ने कवर कर दिया है, तो यहाँ पे आपकी एक बीच में सप्लाई एंड डिमांड बन जाती है, और इसी को कहते हैं हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि स्ट्रांग होता है, किसी को ही नहीं पता ये चीज। अब इसमें हजार डाउट निकलेंगे मेरे स्टूडेंट के, जो कि मैं डाउट क्लास में क्लियर करूंगा, इसीलिए बोलता हूँ दोस्त लाइफ में एक मेंटोर होना ही चाहिए, बिना मेंटोर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये भी आपकी सप्लाई एंड डिमांड है, ये भी आपकी सप्लाई एंड डिमांड है, ये आपकी होती है हिडन, ठीक है, ये आपकी होती है हिडन सप्लाई एंड डिमांड, ये एक सेकंड गलत हो गया टाइप, चलो आप समझ लो मैं बोल दिया ना, ये होगी हिडन एंड ये हो जाएगी आपकी विजिबल, क्या हो जाएगी, ये होती है विजिबल, ये विजिबल सप्लाई एंड डिमांड होती है, ये हिडन सप्लाई एंड डिमांड होती है, क्लियर। चल अब आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्त मैं आपको दो, देखो दो, एक चीज के दो पहलू बता रहा हूँ। देखो आपको मार्केट में विजिबल भी सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे, हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड मिलेगी, ठीक है। कभी कभी जो मार्केट रिवर्सल होता है, आपको पता नहीं होता किस वजह से रिवर्सल होता है ना, ये इस हिडन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से रिवर्सल होता है, आपको ये पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी एक्सचेंज हुआ, ये भी आपका एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सप्लाई एंड डिमांड की पावर दिख रही है। मोमेंटम अलग चीज है, मोमेंटम बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ कि देखो, चलो इसको मैं मिटा ही देता हूँ। अब आपको देखो थोड़ी सी और एडवांस लर्निंग में लेके जाता हूँ कि प्राइस कैसे मूव करता है, ठीक है, मतलब आप कैसे पकड़ सकते हो किस कैंडल के बाद कौन सी बायर की कैंडल आएगी, किस कैंडल के बाद कौन सी सेलर की कैंडल आएगी, ठीक है। अभी तक आपको इतना समझ में आ गया, अब दिखाता हूँ आपको एडवांस लर्निंग, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ, जब यहाँ पे छोटी सी, अगर एक वीक बायर आता है, ठीक है, क्या आता है, एक वीक बायर आता है, जब यहाँ पे एक वीक बायर आएगा एंड मैं इसको थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो, जब मुझे इसको पीछे करना होगा, ठीक है, एक सेकेंड, चलो रुक जाओ, ये देखो ये आपका एक हो गया वीक बायर, क्या हो गया, ये है आपका एक वीक बायर, इस वीक बायर के बाद जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर आएगा, क्या आएगा, एक स्ट्रॉन्ग बायर, देखो अब इतना आपको समझना पड़ेगा कि गैप वगैरह तो मैं बनाने में हो जा रहा है लेकिन वहां पे नहीं रहेगा, ठीक है। जब आपका यहाँ पे एक वीक बायर आएगा और एक स्ट्रॉन्ग बायर आएगा, ठीक है,
तब आपको इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि सेलर कहाँ पे जल्दी इंटर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप अगर आपको एक स्ट्रांग बायर मिलता है, क्या मिलता है, एक स्ट्रांग बायर, ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रांग बायर की कैंडल मिल गई, ठीक, और फिर एक वीक बायर की कैंडल मिल गई, क्या मिली, एक वीक बायर की, चलो सॉरी थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो रहा है, एंड चलो आपको यहाँ से एक वीक बायर की कैंडल मिल गई। ठीक है, अब बताओ सेलर जल्दी कहाँ इंटर हो गए, बताओ किसको किसको पता है, बताओ यहाँ पे कमेंट करके बताना वीडियो के। ठीक है, यही कोर्स मैं यूट्यूब पे लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका वीक है, ये आपका वीक बायर है, ये आपका स्ट्रांग बायर है, ये आपका स्ट्रांग बायर है, ये आपका वीक बायर है। ठीक है, अब बताओ मुझे ये बताओ कि जल्दी बायर कहाँ पे इंटर, जल्दी सेलर कहाँ पे इंटर होंगे। अभी हमको पता नहीं है कि इस बायर की मतलब पावर कितनी है, 95 है, 95 टू 90, 80, 70 या 100%, मुझे लगता है इसकी 95 या 100% होगी, और इसकी क्या वैल्यू है। अब बताओ जल्दी सेलर कहाँ पे इंटर होंगे, यहाँ पे होंगे कि यहाँ पे होंगे, चलो मैं बताता हूँ, जल्दी सेलर यहाँ पे इंटर होंगे। अब क्यों होंगे यहाँ पे इंटर, अब बता रहा हूँ, ऑलरेडी आपका बायर यहाँ पे वीक है, क्या है, ऑलरेडी आपका बायर यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे सेलर क्विक इंटर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्विक इंटर यहाँ पे सेलर हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बायर को ताकत लगानी पड़ेगी, यहाँ पे बायर को आने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, क्या चाहिए, बायर को बहुत ज्यादा यहाँ पे आने के लिए पावर चाहिए। क्या यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चलो मैं एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, चलो ये मान लो समझो ब्लैक ही है, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप समझो बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेकंड में इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब बताओ बायर यहाँ पे कहाँ जल्दी इंटर होंगे, सेलर यहाँ पे कहाँ जल्दी इंटर होंगे, यहाँ पे इंटर होंगे, यहाँ पे इंटर होने के लिए इनको पावर लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, पावर। अगर यहाँ पे अगर सेलर के पास ज्यादा पावर होगी तो सेलर जल्दी इंटर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो वीक बायर के बाद सेलर जल्दी इंटर हो जाएंगे, अगर रजिस्टेंस है तो और अच्छी बात है, वीक बायर के बाद सेलर बहुत जल्दी इंटर हो जाएंगे। अब चलो एक चीज बताता हूँ, अच्छा तुम्हें बता ही देता हूँ, इसको ही बोलते हैं डब्ल्यू आर, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू आर, जहां पे वीक बायर होते हैं उसे ही बोलते हैं डब्ल्यू आर, समझ में आया कुछ। और ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिंपल समय डिफाइन कर देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में एसआर हो जाएगा अपना। ठीक है, जो चीज मैंने खुद से बनाई है वो किसी को कहां से पता चलेगी, वीक बायर के बाद आपको पता है सेलर जल्दी इंटर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं डब्ल्यू आर। ठीक है, बता देता हूँ क्योंकि YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ अभी, देखो डब्ल्यू एस बी आर एस बी एस एस बी एस आर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट में, वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी, ये सब आएगा नेक्स्ट वीडियो में, बस YouTube पे नहीं आएगा, बस ये मेंटोरशिप स्टूडेंट के लिए जाएगा, एक क्रैश कोर्स अपना लीक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बायर वीक है, जहाँ पे बायर वीक होंगे वहां सेलर जल्दी इंटर हो जाएंगे, जहाँ पे बायर स्ट्रांग होगी वो थोड़ा सा टाइम मतलब सेलर को काफी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, अपनी ताकत लगानी पड़ेगी इंटर होने के लिए। सिंपल से समझ में आ गया कि बायर कहाँ जाए, सेलर कहाँ जल्दी इंटर हो सकते हैं। ऐसा ही सेम पॉइंट हो जाएगा सेलर में, सेलर जहाँ पे स्ट्रांग रहेंगे वहां पे बायर को इंटर होने में ताकत लगेगी, जहाँ पे वीक होंगे इजिली बायर इंटर हो जाएंगे, सिंपल सा। ये होती है मार्केटिंग सीक्रेट जो कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, तो गाइस मैंने इसको ड्रॉ कर दिया क्योंकि ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम जा रहा था। अब देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, आप समझ लेना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वीक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वीक सपोर्ट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में अभी मिटाने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, उसको समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग, एक सेकंड देखता हूँ, यहीं से अगर मिट जाता है तो इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, नहीं मिटेगा तो मुझे यहाँ से टूल लेके इसको मिटाने इरेज करना पड़ेगा। ठीक, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। ठीक है, आप समझ लेना बस, क्योंकि देखो समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बस आपको समझना है कि आप कैसे समझते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे समझते हो। तो अगेन मैं यहाँ पे ये लेके,
अब आप यहाँ पे समझ लो, ये टूल अलग है यार, इसमें थोड़ा सा मुझे ड्रॉ करने में दिक्कत, थोड़ा रुक जाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो यहाँ से यहाँ तक। वीक, ये देखो वीक, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ये वीक रेजिस्टेंस है, एंड ये वीक सपोर्ट है, ये वीक स्ट्रांग सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो आप क्या करते थे, अब देखो अच्छा ये बताओ पहले, इस वीक सेलर के बाद बायर जल्दी इंटर हो जाएंगे। आपको पता ही है कि इस वीक सेलर के बाद यहाँ पे बायर जल्दी इंटर हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया ही। अब इसमें आने के लिए इनको थोड़ी सी पावर लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी इनको ताकत लगानी पड़ेगी कि इस स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद एक बायर आए। तो बायर जल्दी कहाँ आएंगे बताओ, वीक सपोर्ट पे आएंगे, और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल होगी वहां पे बायर आने के लिए टाइम लगेगा। अब आपको आगे बताऊंगा वीक कैंडल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, इसी से पता चलता है, डब्ल्यू एस बी आर एस बी एस एस बी वगैरह ये सब पता चलता है, वीक कैंडल कहाँ होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ होती है। अभी तक आपने क्या किया था, वीक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग देखो अभी तक आपको क्या पता था, वीक सपोर्ट पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे दोनों पे ट्रेड लेते थे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग वीक सपोर्ट वीक रेजिस्टेंस पे दोनों पे ट्रेड लेते थे। अब आपको क्या करना है, एक ट्रेड इस पे एक ट्रेड इस पे लेते थे विन होता था, एक ट्रेड इस पे लेते थे हिसाब बराबर हो जाता था, एक ट्रेड इस पे लेते थे विन होता था, एक ट्रेड इस पे लेते थे हिसाब बराबर हो जाता था। तो आपको प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, समझो तो इस बात को मेरी, नहीं हो रहा है कहीं ना। तो अब आप क्या करोगे, सिर्फ वीक सपोर्ट जो होगा, वीक सपोर्ट जो होगा आपको वहां ट्रेड लेना है। पता होना चाहिए वीक सपोर्ट क्या है, जो वीक सपोर्ट जो ये है यहाँ पे ट्रेड, ये वीक सपोर्ट है, वीक कैंडल के बाद जो सपोर्ट होता है यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना, स्ट्रॉन्ग जो कैंडल होती है वहां पे आपको ट्रेड लेना है। कहाँ पे लेना है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, अगर देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर मार्केट दोबारा यहाँ से ऐसे करके आ रहा है तब आप यहाँ पे ट्रेड लेना। अब इस पे ट्रेड मत लेना क्योंकि यहाँ से मार्केट ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, फिर उसके बाद रिवर्सल लेगा। आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड लेना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है, ना कि वीक पे। वीक पे लोगे तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, उसके बाद रिवर्सल लेगा। इसी वजह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है और आपको पता ही नहीं चलता है, जहां पे वीक सपोर्ट रहता है, जहां पे वीक रेजिस्टेंस रहता है, मार्केट ब्रेकआउट करके निकल जाता है। आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे अब ट्रेड लेना है। देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको कैसे पहचान में आएगा, जो कैंडल, मैं इसके लिए कैंडल आती है, मैं बताऊंगा कौन कौन सी कैंडल जो होती है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है, और कौन कौन सी कैंडल यहाँ पे स्ट्रांग होंगी और कौन कौन सी कैंडल वीक होगी। वीक देखो, वीक सेलर के बाद बायर इंटर इजली हो जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पे सेलर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे सपोर्ट लेवल, आपको पीछे मैं बताऊंगा कैंडल कौन सी होती है जो स्ट्रांग होती है, वो आप वो देख लेना, स्ट्रांग सपोर्ट है, उसके बाद यहाँ पे एक वीक बायर आया, बस रिवर्सल, ट्रेड विन खत्म। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मार्केट दोबारा इधर से आ रहा है, बस पता है आपको पहले से स्ट्रॉन्ग है, बस विन, बात खत्म। लेकिन इससे पहले आप क्या करते थे, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे दोनों पे ट्रेड लेते थे। अगर वीक वायर आया है ठीक है, लेकिन इसके पहले तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहना चाहिए, तभी तो सेलर इंटर होगा भाई। अगर वीक सपोर्ट है ठीक है, इसके पहले वीक, ये वीक सपोर्ट है ठीक है, इसके पहले तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कुछ भी रहेगा, तभी तो यहाँ पे बायर इंटर होंगे। मुझे पता है कि वीक सेलर यहाँ पे आ गए हैं, बायर इंटर होने वाले हैं, जल्दी ही होंगे, लेकिन उसके लिए तो उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना। तो वो कैंडल बताऊंगा कौन कौन सी कैंडल होती है, ठीक है। तो ये कैंडल वगैरह यूट्यूब पे नहीं आएंगे, ये मेंटोरशिप का टॉपिक है, तो मेंटोरशिप में ही जाएंगे, ठीक है। तो अब चलता हूँ आगे, अब देखो आपको क्लियर हो गया है कि आपको ट्रेड कहाँ करना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे करना है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे करना है। देखो चांसेस क्या रहते हैं मैं बता देता हूँ, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे चांसेस रहते हैं ट्रेड विन करने के 95% तक इस पे आप ट्रेड विन करोगे। और जो ये वीक होता है इस पे 50% चांसेस रहते हैं, सिंपल सा। तो आपको 90 पे ट्रेड लेना है या 50 पे, आप ये समझना अपना, ठीक है। अब इसको मैं फटाफट से मिटाता हूँ और आपको एक एडवांस लर्निंग देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने सारा इरेज कर दिया, एक सेकंड, मुझे एक छोड़ना था इसमें से, जिसको मुझे छोड़ना है मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, फटाफट से। रुक जाओ भाई, आपको ऐसे ऐसे लर्निंग प्रोवाइड कर दूंगा कैंडल के बारे में ना, आप पागल। अभी देखो लास्ट में तुम्हें कैंडल स्टिक बताऊंगा, तो इसमें इसी मैं वीडियो में इसमें जोड़ दूंगा, लेकिन वो
कट पीट करके मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। मैं उसको लास्ट में काट दूंगा, लास्ट में ही बताऊंगा कि वीडियो वहां से काट करके फिर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, क्योंकि कैंडल जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। विक बायर भी ऐसे कैसे पता चलेगा, तो कैंडल जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको सीधा पता चलेगा मेंटोरशिप में और कहीं नहीं, ठीक है। तो बस ये देखो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, नहीं ड्रॉ हो रहा है तो उसके बाद मिटा के उसके बाद ड्रॉ करता हूँ फिर दोबारा, बस देखते जाओ मैं आपको बता क्या रहा हूँ अभी, ठीक है। ये देखो ये आपकी एक वीक कैंडल हो गई, ठीक है। अब आप हमको ये बता दो, अभी आपको इतना समझाए हैं तो उसके बेस पे हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वही बताना आप। अब हमको पता है कि इस वीक बायर के बाद एक इधर पीछे कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, तो उसके बाद अब उसके हिसाब से समझते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे एक अपना सपोर्ट लेवल है, इसको नहीं ब्लैक कलर लेंगे तो अच्छा लगेगा, ये क्या है, ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये देखो ये आपका एक सपोर्ट लेवल, अब बताओ अब यहाँ पे एक बायर इंटर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बायर जो है इंटर हुआ, ये आपका एक बायर इंटर हुआ, ठीक। अब आप हमें बताइए कि हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ बायर इंटर हो चुका है, हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ बायर इंटर हुआ है। अब क्यों इंटर हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेलर वीक थे तो इसलिए बायर इंटर हो गया। और लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि ये बायर, अब अच्छा ये बताओ अब यहाँ पे जो बायर आई है कंटिन्यू कर लेगा या रिवर्सल करेगा, यहाँ पे फिर सेलर आने वाले हैं या बायर कंटिन्यू कर लेगा। अब लोग बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ से तो सेलर बायर कंटिन्यू कर लेगा, क्योंकि सेलर ऑलरेडी वीक है। भाई मानता हूँ सेलर ऑलरेडी वीक है, लेकिन जो सेलर है ना ब्रदर, वो अपनी लास्ट एफर्ट डालेंगे, अभी क्या डालेंगे, उनके पास अगर थोड़ा बहुत पावर रहेगी तो छोटी कैंडल बना के इसे छोड़ देंगे, क्या करेंगे छोटी कैंडल बना के छोड़ देंगे। फिर अगर इसके बाद, अब क्या मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, लर्निंग लो बस और कुछ नहीं। अब अगर ये समझ लो कैंडल ये वीक थोड़ा सा इधर उधर होता है, आप समझ लेना, ठीक है। अब अगर इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलर आता है और इसी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाता है, देखो एक सेकेंड, अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलर आता है और इसी सपोर्ट के ऊपर ऐसे क्लोज हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है और ब्रेकआउट भी हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोग यही बोलोगे रिवर्सल भी हो सकता है ब्रेकआउट भी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि ये सपोर्ट वीक है, क्या दोस्त, ऑलरेडी हमको पता है कि ये सपोर्ट वीक है, तो सीधा इसको सेलर लेके चले जाएंगे खाई में कहा, और जब ये ब्रेकआउट होगा ना तो बस यहां से सीधा मार्केट करेगा, क्या करेगा कंटिन्यू, बस यहां से सीधा मार्केट कंटिन्यू करेगा, रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आएंगी। समझ में आया कुछ, जो लोग बोलते हैं 50% बॉडी 70% बॉडी, यार घंटा मेरा कुछ नहीं होता, ठीक है, 50% 70% से कुछ नहीं था, ब्रेकआउट ब्रेकआउट होता, अगर वो ये 10% भी निकला रहेगा यहाँ पे वीक होगा ना तो खींच के लेके चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो बस ये 50% मत समझना, मैंने तुम्हें रियलिटी बताई ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है, उस चैप्टर को अच्छे से देखना। एंड अब देखो अगर यहाँ से बायर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, सिंपल सा, क्लियर। अब इसको इरेज करता हूँ, अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ, चलो मैंने इतना ड्रॉ करके रखा। अब आपको ये समझाता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग सेलर है यही पहलू अपने बायर की कैंडल में भी ले लेना, ठीक है। अब देखो जो ये स्ट्रॉन्ग बायर है, इसमें अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो अगर एक बायर यहाँ पे इंटर होता है, मैं पकड़ लिया कि यहाँ पे एक बायर इंटर हुआ है, ठीक है, चलो यहाँ पे एक बायर इंटर हो गया है, ठीक। अब बताओ क्या इस बायर के बाद सेलर आएगा या बायर आएगा, सेलर आएगा या बायर आएगा, बताओ। अब इस बायर के बाद सेलर आएगा या बायर आएगा, अब आप लोग क्या बोलते हो, अब आप लोग अपने मन में सोचना, क्योंकि मैंने इतना बता दिया, ठीक है, चीट मत करना, चीट करोगे आगे नहीं निकल पाओगे। देखो अब मैं आपको बताता, जो ये स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल है ना, सेलर तो अभी स्ट्रॉन्ग है भाई, वीक कहाँ हुए हैं, तो सेलर्स अभी अपनी यहाँ पे लास्ट एफर्ट डालेंगे, क्या डालेंगे एक सेकेंड, सेलर अभी यहाँ पे अपनी लास्ट एफर्ट डालेंगे, ये है इनकी एफर्ट, रुक जाओ थोड़ा सा गलत ड्रॉ हो रहा है मेरे से, एक सेकंड मैं ड्रॉ कर देता हूँ जरा इसको अच्छे से। सेलर हैं दोस्त, ये अपनी अभी लास्ट एफर्ट डालेंगे,
ठीक। अब देखो अब क्या होता है, अगर सेलर स्ट्रांग हुए और इसको ब्रेकआउट कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर सेलर स्ट्रांग हुए और इसको यहां से ब्रेकआउट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेलर पहले से ही, ऑलरेडी सेलर पहले से ही स्ट्रांग है, क्या है, देखो ये आपकी हो गई, ये अगर सेलर इसको ब्रेकआउट कर देते हैं, चाहे वो 80% करे, चाहे वो 50% करे, चाहे जितना करें यार, करें, ब्रेकआउट करने दो, ठीक है। अब देखो मैं डाल देता हूं इसमें, अब देखो सेलर अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर देते हैं तो क्या होगा, अब बताओ यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल लेगा। भाई यहाँ पे सेलर ऑलरेडी स्ट्रांग थे, इसलिए यहाँ पे सेलर अपनी लास्ट एफर्ट डाल रहे हैं, मतलब उनके पास जितनी पावर है वो अपनी पूरी ठोक दे रहे हैं, बचा ठोक बचा के पूरा सपोर्ट को ब्रेक करने में लगे हैं। अब देखो अगर ये ब्रेकआउट होता है या इसके ऊपर क्लोज होगा तो तुरंत यहाँ से बायर आएगा। तुरंत क्यों आएगा वो चीज बताता हूँ, आज तुम लोग को ऐसी लर्निंग दे रहा हूँ ना, ये एडवांस है, पागल हो जाओगे अभी देखना। ऐसे ऐसे मेरे पास इतनी लर्निंग है ना, एडवांस तो खत्म होने तो देखना है मेरी मेंटोरशिप स्टूडेंट की कितनी एक्यूरेसी आती है। अब देखो यहाँ पे आएंगे बायर, अब बायर क्यों आएंगे, देखो ऑलरेडी यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे, स्ट्रांग सेलर के बावजूद अगर एक बायर की कैंडल आई है तो क्या बायर वीक होगा, क्या तुम्हें लग रहा है क्या, जब स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद अगर स्ट्रॉन्ग बायर की कैंडल आई है तो ऑलरेडी बायर भी स्ट्रॉन्ग होंगे। सेलर्स ने अपनी लास्ट एफर्ट डाली, कामयाब नहीं हो पाया, बायर आया, अब बायर यहां से क्या करेगा ये देखो, अगर ये बायर इसी सपोर्ट के नीचे क्लोज होता, अगर ये जो बायर है इसी सपोर्ट के नीचे क्लोज होता तो सेलर यहां से कंटिन्यू कर लेते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पहले से सेलर है और इसके नीचे का क्लोज हुआ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रेजिस्टेंस के, तो नीचे सीधा कंटिन्यू कर लेते। अगर अब इसको ब्रेकआउट किए, ठीक है, अब अगर इसको ब्रेकआउट किए तो तुम्हारा यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये बड़ा बन जाएगा तो एक बुलिश इनगल्फिंग, नहीं तो आउटसाइड बात है, मतलब एक पैटर्न बन जाएगा, उनको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे बायर यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखो, अगर समझो एक एक पैटर्न पे छह छह पॉसिबिलिटी होती है, क्या होती है, एक एक पैटर्न पैटर्न के पीछे छह पॉसिबिलिटी होती है कि एक पैटर्न कैसे वर्क करता है, वो सब बताने वाला हूँ। अगर आपकी यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग आ गई, ठीक है, अब बुलिश इनगल्फिंग जो आपकी आई है, अब बताओ ये इसकी रिट्रेसमेंट आएगी, क्या आएगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, क्या है, सेलर यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगी और आएगा ये इसी सपोर्ट पे ऐसे क्लोज होगा, उसके बाद सीधा यहाँ से बाहर कंटिन्यू कर लेंगे, समझ में आया, यहाँ पे ये ऐसे क्लोज होगा और इसके बाद यहाँ से बायर जो है वहां यहाँ से वो कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर सेलर बाय चांस अगर सेलर यहाँ से, एक सेकंड रुक जाओ यार, गलती कहीं हो रही है इसलिए आ जा, एक सेकंड, अगर सेलर ये देखो ये बायर है, यहाँ से बायर सीधा कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है, अगर सेलर बाय चांस यहाँ से अगर कामयाब हो जाता है, क्या हो जाता है, सेलर अगर ये हल्का सा भी इसके नीचे आके क्लोज होता है तो सीधा यहाँ से सेलर कंटिन्यू कर लेगा, यही होता है पॉइंट। आज तक आपको ये किसी ने बताया था, नहीं बताया था। अगर ये मैं पकड़ लेता हूँ, चलो बुलिश इनगल्फिंग नहीं बनती है, छोटी सी कैंडल बनती है, मतलब मीडियम साइज की, चलो ये देखो अगर ऐसी भी कैंडल बनती है तब भी तुम्हारा यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ से बायर आएंगे और इसी पे हल्का सा ये लेंगे सपोर्ट की तरह, उसके बाद सीधा ऊपर निकल जाएंगे। अगर बायर यहाँ पे अपने लास्ट एफर्ट में कामयाब होंगे तो आगे निकल जाएंगे, नहीं कामयाब होंगे तो सेलर यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा। अब वीक सपोर्ट के बाद क्या करना है, वीक सपोर्ट के बाद इतना तामझाम नहीं रहेगा, ठीक है, सीधा यहाँ से सेलर ऐसे सीधा सेलर एंटर होंगे, सीधा कंटिन्यू करते चले जाएंगे। चलो अब इसके बाद जा रहा हूँ बताने की वीक कैंडल क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन कौन सी होती है, और ये जो अब यहीं से वीडियो को इसको स्टॉप करूंगा और दूसरा एक वीडियो छोटा सा बनाऊंगा जिसमें मैं वीक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल सारी कैंडल बता के और इस वीडियो को अपने मेंटरशिप स्टूडेंट को दे दूंगा, एंड ये जो कटी पीटी वीडियो होगी, मतलब जिसमें नॉलेज दिया हो, लेकिन हाँ ये क्रैश कोर्स से समझ लेना, क्योंकि देखो भाई मैं कैंडल नहीं बता सकता, सिंपल सा बात सुनो कि कौन सी कैंडल वीक होती है कौन सी कैंडल स्ट्रांग होती है, वो आपको मैं नहीं बता सकता, सिंपल सी बात है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, ये भी सुन लो, तुम सुनते ही जाओ अगर सुन रहे हो, अगर एक स्ट्रांग बायर, अगर एक स्ट्रांग, देखो इसके पहले एक स्ट्रांग बायर की कैंडल, एक स्ट्रांग सेलर की कैंडल है, ठीक है, इसके पहले एक स्ट्रांग सेलर की कैंडल है, ठीक, अब इसके पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल है, अगर इसके बाद अगर कोई बायर एंटर होता है छोटा सा या कैसा भी,
अगर इसके बाद यहाँ पे अगर कोई बायर इंटर होता है, वो चाहे छोटा सा हो, चाहे डोजी टाइप हो, चाहे कुछ हो, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बायर वीक है। ये हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे ये बायर वीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग के बाद एक बायर, स्ट्रॉन्ग सेलर के बाद एक बायर इंटर हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही होगा। और अगर मैं आपको, आपसे अगर ये अकेले में पूछूंगा कि ये बायर कैसा है, अगर मैं आपसे अगर अकेले में दैट सिंपल, अगर मतलब जैसे अगर पूछ ही लेता हूँ, मतलब अगर अकेले में कि बताओ ये बायर कैस कौन है, मतलब वीक है या स्ट्रांग है, तो सिंपल सा बोल देना सीधा स्ट्रांग नहीं वीक है सीधा। लेकिन हाँ, अगर एक स्ट्रांग बायर की कैंडल सेलर की कैंडल के बाद आ रहा है, तो ये स्ट्रांग होगा। अब करो मेंटोरशिप वाले जम की प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें इसे ही तुम आगे जाओगे। बेसिक तो सभी बताते हैं, तुम्हें एडवांस मिल रहा है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा वीक होगा, अगर इसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी सेलर की ना, तो ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे ना कि वीक कहलाएंगे, ठीक है। अब चलो वीडियो करता हूँ पॉज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप क्रैश कोर्स वगैरह नहीं आएगा, ये क्रैश कोर्स वगैरह अपलोड कर दे रहा हूँ। एंड जिसको जिसको ट्रेनिंग की ए टू जेड नॉलेज लेनी है, फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके मेंटरशिप ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट मंथ अप्रैल में लॉन्च करने वाला हूँ बैच 2, ठीक है। आपको मैंने बता दिया WRSR वगैरह क्या होता है, इतना सिंपल छोटा मोटा बता दिया। एंड अब WSB SSB RSB जो वीक ओवर वीक स्ट्रेटजी, ये सब बताऊंगा अपने मेंटरशिप में, ठीक है।